हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लीटर क्या है और लीटर का इस्तेमाल क्यों करें इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपको गोलू की डेयरी के बाहर लगी लंबी लाइन याद है? गोलू अब तक अपने ग्लास का इस्तेमाल कर सभी लोगों को बड़ी आसानी से दूध बेच रहा था, लेकिन अचानक कल उसका ग्लास टूट गया और उसे नया ग्लास खरीदना पड़ा। गोलू की डेयरी पर रोज की तरह आज भी लंबी लाइन लगी है। गोलू ने रोज की तरह अपने बड़े से टब में अपने ग्लास को डुबोकर भर लिया और शेर खान की बोतल को भरना शुरू किया। लेकिन ये क्या, रोज शेर खान की बोतल 3 ग्लास दूध से भर जाती है, लेकिन आज उसकी बोतल भरने के लिए 4 गिलास दूध लग गए। गोलू ने शेर खान से जब 4 गिलास दूध के पैसे मांगे तो शेर खान चौंक गया। गोलू को भी कुछ समझ नहीं आया। अब गोलू सोच रहा है कि शेर खान की बोतल तो वही है। तब उसकी बोतल की क्षमता कैपेसिटी कैसे बदल सकती है? बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोलू का नया ग्लास उसके पुराने ग्लास से छोटा है। यही वजह है कि गोलू के पुराने ग्लास से शेर खान की बोतल केवल 3 ग्लास दूध से पूरी तरह भर जाती थी, लेकिन आज गोलू के नए ग्लास से उसकी बोतल 4 ग्लास दूध से पूरी तरह भरी। अब गोलू सोचने लगा कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो हमेशा समान तरीके से लोगों को दूध बेच सके। तब शेर खान ने उसे कहा, तुम इस तरह का पैमाना इस्तेमाल करके लीटर में दूध क्यों नहीं बेचते? गोलू लीटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लीटर क्या होता है? जैसे हमने यहाँ देखा कि गोलू ने दोनों बार ग्लास का इस्तेमाल दूसरे बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी नापने के लिए लिया। ग्लास या कोई भी बर्तन भले ही एक तरह के क्यों न हो, लेकिन अलग अलग आकार और माप के होने के कारण हम उन्हें दूसरे बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस समस्या को हल करने के लिए हम लीटर की इकाई का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम L में लिखते हैं। लीटर एक ऐसी इकाई है जो हमेशा समान रहती है, इसलिए हम लीटर की सहायता से बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी को आसानी से नाप सकते हैं। इसे हम L के चिन्ह से दर्शाते हैं। शेर खान ने ये बात गोलू को समझाई। गोलू तुरंत बाजार से इस तरह का एक लीटर का पैमाना ले आया। अब गोलू ने इस पैमाने का इस्तेमाल करके दूध बेचना शुरू किया और सभी लोगों से प्रति लीटर दूध के हिसाब से पैसे लिए। गोलू ने सभी गांव वालों को दूध बेच दिया
और सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने लीटर क्या है और लीटर का इस्तेमाल क्यों करें इसके बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा लीटर एल का इस्तेमाल बर्तनों की क्षमता कैपेसिटी नापने के लिए कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे।